बर्मा के बाजार में स्थानीय और निर्यातकों की मांग कमजोर होने के कारण आज लेमन अरड़ के भाव $5 की गिरावट आई, जबकि उड़द FAQ और SQ के भाव में $10 प्रति टन की कमी। लेमन अरड़ के दाम घटकर बर्मा में $840 प्रति टन CNF रह गए। बर्मा में उड़द FAQ के दाम घटकर $915 और SQ के भाव $1,070 प्रति टन CNF रह गए। आगे त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन दालों की कीमतों में नरमी ही बनी हुई है। जानकारों के अनुसार केंद्र सरकार लगातार दालों की कीमतों की निगरानी कर रही है, जिससे इनकी कीमतों पर एक दबाव है। दाल मिलों की हाजिर मांग कमजोर होने के कारण शुक्रवार को मुंबई में आयातित अरहर और मसूर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि बर्मा की उड़द के भाव मजबूत हो गए। इस दौरान चने के साथ ही काबुली चने के दाम स्थिर बने रहे। केंद्र सरकार द्वारा नीतियों में बदलाव और हस्तक्षेप के कारण भी व्यापार सीमित मात्रा में हो रहा है। दाल मिलों की हाजिर मांग कमजोर होने के कारण बर्मा की लेमन अरहर नई के साथ ही पुरानी की कीमतों में 50-50 रुपये की गिरावट आकर अब इसके भाव 6200 रुपये और 6100 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। साथ ही मटवारा किस्म की अरहर के भाव भी 25 रुपये की गिरावट आकर 5500 से 5525 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। दूसरी ओर मुंबई में मोजाम्बिक लाइन की गजरी अरहर के भाव 5450 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बने रहे। इस दौरान तंजानिया की अरोशा अरहर के साथ ही सूडान की अरहर के भाव 5650 रुपये और 6450 रुपये क्विंटल पर स्थिर बने रहे। व्यापारियों के अनुसार हाजिर बाजार में अफ्रीका की सस्ती अरहर की उपलब्धता के साथ ही आगे आने वाली नीचे भाव की अरहर से कीमतों में हल्का सुधार ही आया। जानकारों के अनुसार अफ्रीका की अरहर में नमी की मात्रा 22 से 23% से अधिक होने के कारण क्वालिटी हल्की है। अफ्रीका से 6853.704 टन मलावी अरहर और 25385.307 टन मोजाम्बिक अरहर लेकर आए वेसल से अब तक 3119 टन माल को मुंबई बंदरगाह पर डिस्चार्ज कर दिया गया है, तथा अब इसमें 29122 टन माल शेष बचा हुआ है। एक वेसल जो कि 1953.900 टन मोजाम्बिक मूंग और 27617.625 टन मोजाम्बिक अरहर लेकर आ रहा है, इसके आज मुंबई बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। स्थानीय मिलों की मांग सुधरने से मुंबई में बर्मा उड़द FAQ नई और पुरानी की कीमतों में 25-25 रुपये की तेजी आकर भाव 7075 रुपये और 6975 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं। व्यापारियों के अनुसार उड़द दाल में ग्राहकी कमजोर है, लेकिन कई राज्यों में हुई बारिश से खरीफ उड़द की फसल को नुकसान हुआ है। नई खरीफ उड़द की जो आवक हो रही है उसकी क्वालिटी काफ़ी हल्की है, जबकि मिलर्स और व्यापारी अच्छी क्वालिटी की नई उड़द की खरीद कर रहे हैं। अतः अच्छी क्वालिटी की उड़द में मिलों की मांग बनी रहने की उम्मीद है। दाल मिलों की हाजिर मांग कमजोर होने से कनाडा की मसूर के भाव में मुंबई, मुंद्रा और हजीरा बंदरगाह पर 50-50 रुपये प्रति क्विंटल तक घटे रहे। वहीं सूत्रों के अनुसार नेफेड आयातकों से लगातार मसूर की खरीद हाजिर बाजार से कर रही है, लेकिन व्यापारियों का डर है कि कहीं नेफेड आगे खरीद हुई मसूर को नीचे दाम पर ना बेच दे। तंजानिया के चने में दाल मिल की सीमित मांग से भाव 4900 से 5050 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बने रहे। नेफेड के साथ ही भारतीय खाद्य निगम FCI लगातार केंद्रीय पूल से चने की बिकवाली कर रहे हैं। स्थानीय मिलों की सीमित खरीद से मुंबई में सूडान और रूस के काबुली चने के भाव 5450 से 5600 रुपये और 4850 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बने रहे। काबुली चने के आयात पर 40% आयात शुल्क होने के कारण आयात पड़ते नहीं लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।